कश्मीर में शांति बहाली को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर दौरे पर है और प्रतिनिधिमंडल ने शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस सेंटर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और AIMIM के नेताओं ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासिन मलिक से मुलाकात की। ये नेता कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने भी इन नेताओं से मुलाकात नहीं की। हालांकि उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग में जरूर मिले। यही कोशिश हमारी होगी कि अमन कायम करने की राह पैदा हो और एक बातचीत का सिलसिला हुकूमत शुरू करे तमाम स्टेक होल्डर से। तो देखिए यही हम यही नेक ख्वाहिशात और उम्मीदें लेकर जा रहे हैं। कुछ तो चीज़ें बहुत लंबी होंगी, पॉलिटिकल प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, वो तो एक उसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हो रही हैं चाहे वो पैलेट गन्स की बात हो या दूसरी चीज़ें हो, उनका तो हल तुरंत निकाला जा सकता है। तो इससे फ़ायदा तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में कश्मीर को होगा, कश्मीरियों को होगा और मुल्क को होगा। अलगाववादियों ने ऑल पार्टी डेलीगेशन का स्वागत प्रदर्शन और हिंसा से किया। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित साउथ कश्मीर के शोपिया में प्रदर्शनकारियों ने निर्माणाधीन मिनी सचिवालय को आग लगा दी। शोपिया को अलगाववादियों का गढ़ माना जाता है। इस बीच श्रीनगर पहुंचे 20 से अधिक राजनीतिक दलों ने 28 नेताओं ने शेरे कश्मीर स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस सेंटर में अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन से मुलाकात की और ऑल पार्टी डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा और सूबे के सीएम महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की। सूबे के सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों से भी अपील की कि वो सर्वदलीय टीम के साथ बातचीत करें। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बातचीत के न्योते को नकार दिया। कश्मीर इंक ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन का विरोध किया। अब कश्मीर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन की जगह पावर सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और गृह मंत्रालय ने हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए लाल मिर्च वाले पावर शेल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पावर सेल का असर ऐसा होगा कि इसकी जद में आने वाले प्रदर्शनकारी चंद मिनट के लिए अपनी सुध-बुध खो देंगे और ऐसे में उन्हें हिरासत में लेना आसान हो जाएगा। लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च यानी CSIR में करीब एक साल से पावर सेल्स की टेस्टिंग चल रही थी, जिसके लिए केंद्र सरकार की एक्सपर्ट की टीम इसकी टेस्टिंग की जानकारी दे रही थी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक एक्सपर्ट कमेटी ने पावर शेल्स का डेमोंस्ट्रेशन भी देखा था और अब यह ऑफिशियली फाइनल हो गया है कि कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पावर शेल्स का इस्तेमाल होगा। हालांकि पैलेट गन पूरी तरह से बंद नहीं हुई, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। चीन के हांगझाऊ शहर में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात की। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद मुलाकात की थी और कल पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम थेरेसा मे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री से मुलाकात करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना होंगे। The honor to serve as a chairperson of BRICS this year, building responsive, inclusive and collective solutions is the theme India is choosing the BRICS this year. This is also mirrored in the central priorities at the G20 summit. चीन में G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच बायलेटरल बातचीत भी हुई और जिसमें पीएम ने पीओके से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का मुद्दा उठाया और इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत की मेंबरशिप और टेररिज्म के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। 3 महीने के भीतर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में उन्होंने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद मुलाकात की थी। तो चीन में G20 सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को गोवा में होने वाले सम्मेलन का न्योता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का मौका मिला है, जो कि गर्व की बात है। इससे पहले G20 में सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले मिले। सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रुप फोटोग्राफी भी हुई।
India is honored to serve as a chairperson of BRICS this year. Building responsive, inclusive, and collective solutions is the theme India is choosing the BRICS this year. This is also mirrored in the central priorities at the G20 summit. Excellencies, as the chair of BRICS, we have taken it out of capitals and official meeting to involve people from all walks of life. रेप के मामले में गिरफ्तार केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और रोहिणी कोर्ट ने संदीप कुमार को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी और इससे पहले पुलिस ने संदीप कुमार से 12 घंटे तक पूछताछ की और पुलिस ने संदीप कुमार से महिला के वीडियो और तस्वीरों को लेकर सवाल पूछे, लेकिन संदीप कुमार ने महिला के आरोपों से इनकार किया। संदीप कुमार ने महिला के रेप के आरोपों को खारिज कर दिया। संदीप के मुताबिक उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ये राजनीतिक साजिश है। संदीप ने यह भी दावा किया कि वीडियो में वो नहीं है और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। आशुतोष के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सीएम केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल को यह साफ करना चाहिए कि वो आशुतोष पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने संदीप कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गिरफ्तारी तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन सीडी सामने आई, क्योंकि उसमें साफ प्रतीत हो रहा था कि संदीप कुमार ने खुद वो सीडी बनाई है। और वो सीडी क्या है, वो तो एक अननेचुरल सेक्स और ब्लू फिल्म का एक जीता जागता सबूत पेश किया है दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के मंत्री ने। इसलिए मात्र सस्पेंड करने की जो आम आदमी पार्टी ने एक नौटंकी की थी उसका पर्दाफाश हो गया, और जितना सरलता से और सहजता से इस मामले को लिया था आम आदमी पार्टी, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ये मामला है। एक बहुत ही शर्मनाक है कि आप पार्टी जो बड़े उसूलों की बात करके आई थी, उसका असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। गरीबी रेखा के काट के एवज में रेप, इससे शर्मनाक और घिनौनी हद तक कुछ हो नहीं सकती। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता आशुतोष संदीप कुमार को बचाते हुए राष्ट्रपिता तक का अपमान कर देते हैं। केजरीवाल को जवाब देना होगा कि आखिर वो आशुतोष पे क्या एक्शन ले रहे हैं, और साथ ही संदीप कुमार को कड़ी सजा होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के घर की तलाशी ली है और पुलिस की टीम ने सुल्तानपुरी के एफ ब्लॉक में संदीप कुमार के घर की तलाशी ली। एफ ब्लॉक के इस घर में संदीप कुमार अकेले रहते थे और पुलिस को आशंका है कि संदीप ने इसी घर में महिला के साथ वीडियो बनाया होगा। और पुलिस के पास घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे की चाबियां थी, लेकिन बाहर से ऊपर की सीढ़ियों का लॉक खोलने की वजह से पुलिस ऊपर के कमरों में नहीं जा पाई। पुलिस की टीम ने करीब 20 मिनट तक संदीप कुमार के घर की तलाशी ली। वहीं पुलिस की पूछताछ में संदीप कुमार ने खुद को बेकसूर बताया। संदीप कुमार ने महिला के रेप के आरोपों को खारिज किया। संदीप के मुताबिक उनकी छवि बिगाड़ने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई। संदीप ने यह भी दावा किया कि वीडियो में वो नहीं है और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक साल में 58 लाख रुपए चाय नाश्ते पर खर्च कर डाले। जी हां, आरटीआई के जरिए ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 14 फरवरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया के दफ्तर में एक साल में चाय नाश्ते पर 58 लाख रुपए खर्च किए गए। आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग के मुताबिक सीएम और डिप्टी सीएम के दफ्तर में 58 लाख रुपए चाय नाश्ते और खाने पीने की दूसरी चीजों पर खर्च किए गए। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सीएम केजरीवाल के दफ्तर में 22,42,320 रुपए चाय समोसे पर खर्च किए। सीएम के कैंप ऑफिस में नाश्ते पर 24,86,921 रुपए खर्च किए गए। इस तरह सीएम केजरीवाल के दफ्तर ने कुल 47 लाख रुपए चाय नाश्ते पर खर्च किए। वहीं डिप्टी सीएम सिसोदिया के ऑफिस ने 11.5 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें डिप्टी सीएम के दफ्तर ने 5.62 लाख और कैंप ऑफिस ने 5.66 लाख रुपए नाश्ते पर खर्च किए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरटीआई से भी खुलासा हुआ है कि यूपी की अखिलेश सरकार के सभी मंत्रियों ने
9 करोड़ रुपए चाय और समोसे पर खर्च किए। आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विवेक गर्ग ने केजरीवाल सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। विवेक गर्ग का आरोप है कि उनकी कई आरटीआई को दिल्ली सरकार दबा रही है और दिल्ली सरकार के हर एमएलए के दफ्तर पर आए खर्चों का सच सामने अभी आना चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सिर्फ दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के दफ्तर में चाय कॉफी का खर्चा लाखों में है तो दिल्ली सरकार ने कितने पैसे लुटाए होंगे। छोटा सा उदाहरण है और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने हमें अभी आरटीआई में उनके खर्चे का ब्यौरा दिया है, बाकी अभी सारे डिपार्टमेंटों से ब्यौरा आना तो बाकी है क्योंकि बहुत सारी आरटीआई हमारी दबाई भी जा रही है दिल्ली सरकार में। जब 1 करोड़ की चाय मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पी जा रहे हैं तो अगर सारे डिपार्टमेंट का जब ये जवाब आएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और इस पर भी जांच होनी चाहिए और हम एंटी करप्शन ब्रांच से मांग करेंगे कि इस विषय पर जांच करी जाए। सीएम का तकरीबन जो खर्चा है उनका कैंप ऑफिस और मेन ऑफिस का तकरीबन 47 लाख रुपये, वो भी एक बड़ा चौंकाने वाला है कि एक तरफ मुख्यमंत्री के पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, मुख्यमंत्री विदाउट पावर है एक तरह से दिल्ली में, ये पहले मुख्यमंत्री है जिनके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा इनका खर्चा और इनके जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं जो हम लोगों को जिस हिसाब से देखने पे लगता है यानी पार्टी की मीटिंग जो भी इनके यहाँ ऑफिस घर पे हो रही है उसका भी सारा खर्चा ये सरकारी जेब से दे रहे हैं वो एक और बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। जैसे अब इनके जो संदीप कुमार मंत्री पकड़े गए हैं 10 लाख रुपये करीब उनका भी चाय का खर्चा है। तो ऐसे मंत्री जिस हिसाब से जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ये एक बड़ा जांच का विषय है और इन लोगों को जिस हिसाब से एक एक चीज में एक एक फाइल में इनके घोटाले निकल रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे 67 के 67 लोग बहुत जल्दी तिहाड़ में होंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रैली की और संगम नगरी में मायावती ने समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं मायावती ने कहा कि यूपी में अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि बीएसपी की सरकार बनने पर ही यूपी में अच्छे दिन आएंगे। अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत बैंक के सभी घिनौने हथकंडे भी यहां बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे और ऐसा हो जाने पर फिर से यहां उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न्याय अमन चैन व विकास के अच्छे दिन जरूर वापस आ जाएंगे। आज इलाहाबाद में मायावती ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि पीएम प्राइवेट कंपनियों को प्रचार कर रहे हैं और किसान भूखे मर रहा है। बीएसपी अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में किए गए किसी वादे को पूरा नहीं किया। मायावती ने कहा कि यूपी में बीजेपी ने 6 साल सरकार चलाई और इस दौर में सूबे में सांप्रदायिकता बढ़ी। अब तो केंद्र में इस पार्टी की सरकार के व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी कंपनियों को भी दरकिनार करके अब यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट को ही बढ़ावा देने के लिए ही मीडिया तक में खुलकर अपना विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। अब इनके विज्ञापन भी आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर जो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं तो उन्हें मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यहाँ राज किया है और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लाखों लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज भी अब बड़ी आसानी से केंद्र की सरकार माफ कर देती है और इस संबंध में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी बैंकों ने
पिछले केवल 3 वर्षों में ही यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों द्वारा लिया गया लगभग 1,14,000 करोड़ रुपयों का कर्ज भी माफ कर दिया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बैंक से 1,00,000-2,00,000 रुपए जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को कर्ज वसूली के लिए इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि फिर भी अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की कसूरवार व जिम्मेवार भी है। बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह आज इटावा पहुंचे। इटावा में लोगों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने कहा कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है और बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्वाति सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को चुनौती दी और कहा कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनसे मुकाबले के लिए मैं खड़ी रहूं। मायावती जी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना रही हैं। वो जातिगत आधार पर समाज को बांटना चाहती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ में आ गया है कि जिस तरीके से वो बांटना चाहती हैं, देखिए बेटी सबकी बेटी है। यूपी फतह के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर दाव खेला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अब अलग पूर्वांचल राज्य और बुंदेलखंड बनाने पर जोर दे रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस के नेता अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं, साथ ही अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात कह रहे हैं और जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर पहुंचने का दावा कर रहे हैं। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस की देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा शुरू होगी। राज बब्बर ने दावा किया कि किसान यात्रा के बाद पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। यात्रा 6 तारीख को देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा है। लोकतंत्र के अंदर लोग फैसला करता है, लोग फैसला करते हैं और ये लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं, उनका एक उत्साह है। यूपी के चंदौली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर ने मंच पर ही एक कार्यकर्ता की क्लास लगा दी। राज बब्बर 27 साल यूपी बिहार जन संदेश यात्रा के दौरान आज चंदौली पहुंचे थे और राज बब्बर मंच से भाषण दे रहे थे और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने राज बब्बर को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की। इससे राज बब्बर भड़क गए और मंच पर ही कार्यकर्ता को जमकर फटकार लगा दी। राज बब्बर ने कहा कि ये उनका गुस्सा नहीं, उनकी वेदना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ये मेरा गुस्सा नहीं, ये मेरी वेदना है, ये मेरी व्यथा है। मैं चाहता हूं ये नौजवान गंभीरता से सोचने का काम करे। यूपी की सियासत में अब एसपी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी किस्मत आजमाएंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात कही। आजम खान ने कहा कि अब्दुल्ला आजम रामपुर विधानसभा से एसपी प्रत्याशी होंगे। हालांकि आजम खान ने यह भी कहा कि अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाने पर अंतिम फैसला एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही लेंगे। इससे पहले आजम खान ने मीडिया पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रोड शो से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए मंत्री ने रोड शो निकाली, जिससे सड़क पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान एक एम्बुलेंस इस रोड में 1 घंटे तक फंसी रही। एम्बुलेंस का ड्राइवर हूटर बजाता रहा लेकिन कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को निकलने की जगह तक नहीं दी। मौके पर मौजूद अधिकारी और पुलिस एम्बुलेंस को निकालने के बजाय मंत्री के सुरक्षा में ही लगे रहे। वहीं जब इस बारे में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले पर बोलने से मना कर दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में जहां एक दलित छात्रा पर गर्म सब्जी फेंक दी गई। पीड़ित के मुताबिक लड़की पर सब्जी सिर्फ इसलिए फेंकी गई क्योंकि वह दलित होते हुए रसोई के अंदर घुस गई थी। फिलहाल छात्रा गंभीर रूप से घायल है। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार जिला के बड़े बड़े अधिकारियों से गुहार लगा रहा है।
उधर बागपत में एक लड़की का परिवार ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया। मामला कस्बा बड़ौत इलाके का है, जहां शादी का विरोध करने पर 11वीं की छात्रा का उसके ही घरवालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी के घरवाले पीड़ित लड़की की जबरन शादी कराना चाहते थे। हाँ जी, मैं 10th क्लास टॉपर, 9th क्लास टॉपर जी, 8th क्लास भी टॉपर, मतलब बचपन से अब तक मैं टॉप ही रही हूँ जी मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। हाँ जी, परिवार की जी सारी लड़कियों पर जी प्रतिबंध है कि वो कोई स्कूल नहीं जाने की, स्कूल जाने से बिगड़ते हैं जी, वे ये बात कह रहे हैं जी। निकाह तो जब ये तय नहीं किया, पर बात चल रही जी कि उसकी किशात शादी कर देंगे अभी बकरीद के बाद। मुझे ये डर था कि वो जी अगर मैं अब भी चली गई तो भी अब भी वे मेरी हत्या कर देंगे, इसीलिए मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की बदहाली को बदलने के लिए संभल के एसडीएम संजय कुमार ने अनूठी पहल की है। एसडीएम संजय कुमार प्रशासनिक कार्यों के साथ अब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। संजय बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उन्हें यूनिफॉर्म पहनने और साफ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। संजय कुमार टीचर्स को पढ़ाई के लिए भी टिप्स देते हैं। राजस्थान के बारा स्थित अटरू में बिजली विभाग के दफ्तर में पूर्व मंत्री मदन दिलावर की बेटी दीपक दिलावर ने दबंगई दिखाते हुए तोड़फोड़ की और अधिकारियों के साथ जमकर गाली गलौज की। दरअसल बिजली सप्लाई में कटौती से पूर्व मंत्री का बेटा नाराज था और इसे लेकर उसने बिजली विभाग के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रोमियो चलाकर कार्रवाई की है। गुरुग्राम के एमजी रोड पर सड़क किनारे महिला पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया। जैसे ही मोटरसाइकिल और गाड़ियों से गुजरते मनचलों ने छेड़खानी की, पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा। गुड़गांव पुलिस का पर्पज ये है कि गुड़गांव में रहने वाली हर महिला 2400 घंटे दिन हो या रात हो सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, हर जगह जाते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और आराम से कहीं भी घूम फिर सके, उसके अंदर ये असुरक्षा की भावना ना हो। तो पंजाब के होशियारपुर में एक कबाड़ की दुकान में जबरदस्त ब्लास्ट होने से दो लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कबाड़ का काम करने वाले इन लोगों ने जिंदा बम उठा लिया जिसके बाद यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आकर मरने वाले लोगों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है और दतिया जिला अस्पताल में बीमार सिस्टम की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल में दवाओं से लेकर सिरिंज तक की भारी कमी है और एसी और पंखे किसी तरह चल रहे हैं। करीब 3 महीने से यहाँ के डिजिटल एक्सरे का प्रिंटर खराब है। देश की धर्म नगरी और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक नया विश्व कीर्तिमान बन गया है, जहां लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर 7.5 किलोमीटर तक तिरंगा लहराया। इस उत्सव में शहर का हर वर्ग शामिल रहा। इस उत्सव का आगाज धूमधाम तरीके से किया गया। आरबीआई के सबसे चर्चित गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। हालांकि आधिकारिक तौर पर वो नए गवर्नर उर्जित पटेल को कार्यभार 6 सितंबर को सौंपेंगे। विदाई के पहले राजन ने कहा कि आरबीआई गवर्नर में वो ताकत होनी चाहिए कि सबसे ताकतवर सरकार को भी ना कह सके। ये एक मजबूत केंद्रीय बैंक के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कार्यकाल के दौरान राजन कभी फाइनेंस मिनिस्टर से विवाद रहा तो कभी सुब्रमण्यम स्वामी के कमेंट्स और कभी खुद के बयानों से वो सुर्खियों में रहे। दुनिया भर के गरीबों को एक माँ की तरह प्यार बांटने वाली मदर टेरेसा आज से संत कहलाएंगी। आज वेटिकन में पोप उन्हें संत का दर्जा उन्होंने दिया। संत बनने के बाद अब मदर टेरेसा को संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनकी 19वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले दी गई। SBI अपने 5 सहयोगी बैंकों समेत भारतीय महिला बैंक के साथ मर्जर की प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर के अंत तक से करेगी और SBI के मुताबिक अगले साल मार्च तक मर्जर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। अगस्त महीने की शुरुआत में ही SBI सेंट्रल बोर्ड ने 5 बैंकों समेत भारतीय महिला बैंक के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी थी।
बीएसएनएल 9 सितंबर से अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान की घोषणा करेगा और अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड 249 प्लान में अगर उपभोक्ता एक महीने में 300 जीबी डेटा का डाउनलोड करेंगे तो इसका टैरिफ ₹1 प्रति जीबी आएगा।